दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यूपीआई से पेमेंट नहीं करता हो। यूपीआई की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपडेट दिया है कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो भी अब यूपीआई के साथ लिंक करके किसी को भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब ऐसा संभव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास यूपीआई पेमेंट करना हो तो आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, या जो बैंक चलाते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद डेबिट कार्ड के जरिए आप अपना यूपीआई पिन बना के किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपडेट दिया है कि अब आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, जैसे कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, उस बैंक को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपना यूपीआई पिन बना के आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जिनके पास रुपये कार्ड वाला क्रेडिट कार्ड है उसके साथ पहले ये सर्विस शुरू किया जाएगा, और जिनके पास मास्टर कार्ड वीजा कार्ड वाला है उनके साथ बाद में सर्विस चालू किया जाएगा। तो ये अब देखना ये है कि अब ये जो प्रोसेस लाइव किया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन में, तो हम आपको ट्यूटोरियल बना के दे देंगे। लेकिन अभी किसी भी एप्लीकेशन में ये लाइव नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से आपको ये अपडेट दिया गया है कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास रुपये का क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे शॉपिंग में करें, चाहे जहाँ पे भी आपकी इच्छा करे वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये खबर है, जिनके पास रुपये का क्रेडिट कार्ड है उनके साथ ये सबसे पहले ये सर्विस चालू किया। आपके पास वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में ये सर्विस वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के साथ भी शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये भी खबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिनके पास रुपये का क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का हो उनके साथ पहले ये सर्विस चालू किया जाएगा कि वो अपना क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में लिंक करके और यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।